नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। आप सभी को पेप्टेक परिवार की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। खबर उज्जैन से है। महाकाल की नगरी उज्जैन में बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। नव वर्ष के आगमन के लिए इस दौरान बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु मौजूद थे। उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक करके नए वर्ष की सुखद कामना के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में पुजारियों द्वारा विधि विधान से यहां पर आए हुए श्रद्धालुओं को पूजन कराया गया और बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान महाकाल का आशीर्वाद ग्रहण किया। पूरे परिवार वाले, मेरे माँ बाप सब ही आज यहाँ पे आए। हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके कि हमने ऐसा वातावरण कहीं और नहीं देखा, किसी भी और मंदिर में ये देखने को नहीं मिलता है। और आज हम बहुत ही खुश हैं कि हमने यहाँ आके हमारा नया साल, नया वर्ष मनाया है। हम चाहते तो कहीं और भी जा सकते थे, पर यहाँ पे आके जो हमें संतुष्टि मिल रही है, जो हमें सुकून और हमें मन की शांति मिल रही है, उसे हम कहीं और मतलब वक्त बयां नहीं कर सकते, इतनी हमें खुशी मिल रही है। मैंने नया साल महादेव के साथ सेलिब्रेट किया। मैंने बहुत इंजॉय किया अपना नया साल। मैं चाहता हूँ हर साल अपने महादेव के द्वार पर आऊँ, महाकाल बाबा के दर्शन करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी फैमिली के साथ आया, लाइन में लग के बहुत अच्छा दर्शन हुए हमारे। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं चूँकि हर साल दर्शन करता हूँ यहाँ महाकाल के, और बहुत भस्म आरती, बहुत आनंद लेता हूँ। और 29 को हम लोग आ जाते हैं और 31 को दर्शन करते हैं गर्भगृह में। और आज जो महाकाल के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। लाखों लोग पूरी दुनिया से आते हैं और बहुत मन मुग्ध हो जाते हैं हम लोग। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, इतना अच्छा दर्शन करके लगता है, और आरती में तो बहुत अच्छा लगता है भाई साहब।